Assalamu alaikum and dear students, welcome to our this online classes. तो आज हम जो physics पढ़ रहे हैं, हमने chapter complete किया, work, energy and power हम पढ़ रहे थे. तो इसके बाद कुछ exercise के questions रहते हैं. तो मैंने सोचा आज numericals and work done, जो exercise questions कुछ है, यहाँ पे question number 5 आपके book में exercise में दिया गया है, question number 5. तो question number 5 हम solve करेंगे आज. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे. गिवन पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है. तो एक कार, ये समझ लीजिए आप, एक कार है ऐसे, है ना. इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, इसका जो मास है वो है 1500 किलोग्राम, मूविंग विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो यहां पे लिखेंगे गिवन मास दैट इज डिनोटेड बाय एम, मास ऑफ कार एम इज इक्वल 1500 किलोग्राम. उसके बाद वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज इक्वल, दैट इज डिनोटेड बाय वी, दैट इज इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर. इतना समझ लिया आपने. तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, किलोमीटर पर आवर. पहले हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, फिर हम सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर दिया गया है, तो इसको करेंगे 60 × 1000, वो बनेगा 60,000. यहाँ पे हमने इसको मीटर में चेंज किया, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया. दैट मीन आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना. तो 60 होगा 60,000 मीटर्स. इसके बाद जो ये रहता है यहाँ पे पर आवर, दैट मीन्स कि 60 सेकंड्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो ये बनेगा 60 × 1 आवर इज इक्वल 60 सेकंड्स, दैट इज इक्वल 3600 सेकंड्स, है ना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये, यहाँ पे ऐसे ये गया 60 × 1000, इसको हमने किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया, पर आवर दैट मीन्स इसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड्स में, हम लिखेंगे पर डिवाइड बाय 3600 सेकंड्स, हैं. इतना समझ लिया. तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स, है ना. तो सॉल्व इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद ये निकल आएगा हमें, हम डिवाइड करेंगे इसको, ये निकलेगा 16.66. क्या निकलेगा, 16.66. इसके बाद हमारे पास हमें क्या निकालना है, वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड. तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें वर्क निकालना है, मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप टू डन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार. इसके बाद क्या करेंगे कि हमें पता है वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ कार
काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ कोर, कुछ चेंज क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हम लिखेंगे इनिशियल क्या है वन ऑफ ऑफ एम वी फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल सॉरी वन वी स्क्वायर माइनस वन ऑफ ऑफ एम फाइनल में इनिशियल क्या है यू दैट इज जीरो, इनिशियल रेस्ट पे होगी बॉडी है तो जीरो 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 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, ये बन जाएगा जीरो सारा, तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं वर्क डन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला को हम करेंगे वन हाफ ऑफ एम, एम कितना है वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 1500 है ना, इंटू वी, वी कितना है निकला हमें 16.66 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इसका, तो कैलकुलेटर कीजिए इसको वन हाफ ऑफ इंटू 1500 इंटू ये बनेगा 277.5, तो कैलकुलेटर करते हैं इसको 1500 इंटू 277.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकलेगा हमें 1500 इंटू 277.5, कैलकुलेट करते हैं हम इसको तो ये निकलेगा 416250 डिवाइड बाई 2, तो ये निकलेगा हमें 208120 जूल। तो उसके बाद हम और एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें से, ए मैन ऑफ 10 केजी इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल, सपोज यहाँ पर एक टेबल है, ये मान लीजिए एक टेबल है यहाँ पे है ना, टेबल यहाँ पे एक यहाँ पे ए मैन 10 केजी, ए यहाँ पे पॉइंट ए हम लेंगे, पॉइंट ए यहाँ पे है कितना है मास 10 केजी एट पॉइंट ए, इफ इट इज मूव टू ए पॉइंट बी, हम इसको मूव करेंगे है ना, तो ये पॉइंट बी पहुंचेगा यहाँ पे पॉइंट बी पे है ना, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस इन ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ना, वट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें वर्क डन बतानी है यहाँ पे लेकिन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से हमें वर्क डन निकालनी है यहाँ पे हमें, तो देखो जो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज टू डाउनवर्ड्स, यहाँ पे देखिए आप मास इसका 10 केजी है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो होता है डाउनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड एम जी, मास एम जी वो है एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो डिस्प्लेसमेंट जा रहा है यहाँ से एस है ना, तो इतना समझ लिया आपने, तो इसके बाद हमें निकालना है वर्क डन, तो हम लिखेंगे वर्क डन डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, क्या करता है डिपेंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी पे, तो हम हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है वर्क डन, इसका सोल्यूशन है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से है, यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा है ना, तो हम लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा तो निकाल लीजिए वर्क डन, तो क्या आ जाएगा एस डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना आता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ये जो है 90 डिग्री बनता है एंगल यहाँ पे, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू एफ इनटू एस, कॉस थीटा कितना है 90, वो बन जाएगा कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे इसको जीरो से, एफ इंटू एस इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इन दिस ग्रेड केस इज जीरो है ना, यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशन के रिलेटेड है ना, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एम, तो एम जी है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, हाइट यहाँ पे नहीं दी गई है तो एच इज जीरो, तो डब्ल्यू आ जाएगा जीरो,
दो तरीकों से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसके इतना समझ लिया आपने कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे निकला हमें वो जीरो होती है, क्योंकि आपने हमने पढ़ा है कि बाय वर्क डन एक्टिंग राइट एंगल्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया है, पेज 154। पेज आप देखना घर में, पेज 154 आपके जो 9th क्लास की फिजिक्स आपके साइंस बुक है तो वहां पे देख सकते हो पेज 154 जो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कह, चलिए क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से गौर से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर फोर्स एक्ट हो रहा है इससे, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी ये चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, इंटर 2 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन बाय द फोर्स, हमें वर्क डन निकालनी है यहाँ पे, तो वर्क डन निकालेंगे तो पहले लिखेंगे गिवन, पहले लिखेंगे गिवन, ये इसका सोल्यूशन है। गिवन क्या लिखें, हर एक जब भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होती है तो पहले गिवन लिखा करो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज नोट बाई यू, है ना, फाइनल वेलोसिटी इज नोट बाई यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाई वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, गिवन लिखा हमने। तो इसके बाद तुम मास कितना है इसका, मास ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू एम दैट इज नोटेड बाई एम विच इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, है ना, 20 किलोग्राम दिया गया है, 20 किलोग्राम ये दिया गया है मास। इसके बाद पहले हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फिर हम इसको चेंज निकाल चेंज इन बोथ द वेलोसिटीज, लिखेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखूंगा शॉर्ट में, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम डिनोट करेंगे, सपोज ई इज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, पहले हम यही निकालेंगे इनिशियल एनर्जी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ एम इंटू वी, यहाँ पे इनिशियल है यू का स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद हम इसको करेंगे 1/2 इंटू मास कितना है 20, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 10 = 20, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे रह गया 10 × 5 = 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकलेगा हमें 250 जूल्स, है 250 एनर्जी को जूल है यूनिट, ठीक है। इसके बाद फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, मैं लिखूंगा फाइनल क्या है, मैं बता रहा है फाइनल ई दैट इज नोट बाई ई एफ, इसको रखेंगे ई एफ 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, तो 1/2 दैट इज एम कितना है 20, तो वी कितना है 2 का स्क्वायर, वो निकलेगा 1/2 इंटू 20 इंटू 2 × 4, है ना। तो 2 × 1 = 2, 10 × 2 = 10, 4 × 10 = 4, क्या निकला है 40 जूल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं 40 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 40 जूल। अब वर्क डन निकालनी है हमें, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको वर्क डन, वर्क इतना किया आपने, अब वर्क डन निकालनी है, वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल डब्ल्यू डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई एफ, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा इन ई एफ दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ई आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ई एफ इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ई आई इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ई एफ कितना निकला हमने 40, माइनस हो जाएगा इसका ई आई कितना निकला हमें ई आई दैट इज
ई आई, इसको यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे इसको ई आई एफ जितना निकला हमें, ये निकला हमें ई एफ, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये निकला हमें 250 जूल्स, वो निकलता है -2110 जूल। तो इस तरह समझा आपने, ये हमें निकला वर्क डन, वर्क डन। अब क्या करना है, इसको घर में एक कॉपी पे लिखिए, कॉपी बनाइए साथ साथ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो इतना समझ लिया आपने, बाकी भी करेंगे। अब आई होप आप स्टूडेंट्स अब घर में पढ़ोगे अच्छी तरह से। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।